सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो भाई लोग, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था, जो देव है भाई, उसने कॉल करा था माइकल को और उससे कहा था भाई, जो देव का जो एजेंट था ना, जो उसके साथ भाई बुरे काम करता था, मतलब स्मगलिंग ये सब करता था, तो भाई FIB बिल्डिंग वालों के हाथ में वो लग गया। मतलब FIB बिल्डिंग वाले कह रहा, मैं FIB वालों के हाथ लग गया और भाई उन लोगों ने अपनी बिल्डिंग में ले जाके भाई क्या ही टॉर्चर करा उस बंदे को। मतलब क्या क्या तरीके नहीं अपनाए भाई, तब ये पूछो है ना। और भाई मतलब जो माइकल की फिर प्लानिंग करी उसने, तो फिर हम लोगों ने पूरे हेलीकॉप्टर से काफी लोगों की मदद ली थी और साथ में ट्रेवर और फ्रैंकलिन की भी मदद ली थी। तो यहाँ पे भाई मतलब मिशन सक्सेसफुल हो गया, हमने बचा लिया हेलीकॉप्टर। मतलब काफी ज्यादा कर्रा सीन हो गया था है ना। और भाई आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम ना आए थे थोड़ा देव के काम से आए थे, उसने हमें बुलाया था और अपनी बातचीत भी करने आए थे कि भाई हमें थोड़ा बहुत बिजनेस बिजनेस की जरूरत है, थोड़े पैसों की भी जरूरत है। और क्योंकि भाई थोड़ा फ्रैंकलिन ऐसी है, फ्री पंट का उसे मिल जाता है, पर कोई नहीं यार। तो यहाँ पर हम लोग अभी जा रहे हैं लॉस सैंटोस में। और उससे पहले भाई ट्रेवर का मेरे पास फ़ोन आया था कि भाई मेरे घर का थोड़ा बहुत हाल चाल देखते आना, कि कुछ मतलब कुछ तकलीफ़ या कुछ दिक्कत विक्कत तो है नहीं। और तो मैंने कहा भाई ठीक है, पर हमें थोड़ा सा उसके लिए घूम के जाना पड़ेगा। पर कोई ना भाई, इसके लिए भाई इतना तो करना पड़ेगा, नहीं तो भाई देखो भाईगिरी देखो सबसे बनानी रखनी पड़ेगी हमें। आगे जाके उनसे बहुत काम पड़ने वाले हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा काम पड़ने वाले हैं, तो इन लोगों का काम यह करना भी हमें पड़ेगा। तो हम लोग जा रहे हैं अभी सीधा ड्राइवर के घर पर। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा शॉर्टकट ले लेते हैं, यहाँ से चलते हैं। तो यहाँ से कच्चा रास्ता पड़ेगा भाई, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। मतलब तुम तो इसकी गाड़ी की साउंड सुनो, कितनी ज़्यादा OP साउंड है भाई, पूछो ही मत। और गाइस गाड़ी काफ़ी ज़्यादा मक्खा चल, देखो यहाँ पे मैंने गाड़ी ठोक भी दी। मतलब यार एक भी मतलब वो नहीं आता कि मैं कभी गाड़ी को ना ठोकूँ, आदत से मजबूर है भाई, क्या ही करा जाए। तो यहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हो भाई, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा OP भाई, एक नंबर गाड़ी है, एक नंबर। और मतलब भाई मौसम देखो कितना ज़्यादा OP हो रहा है, मतलब कितना सुहाना मौसम है भाई, गाड़ी कितनी ज़्यादा सही चल रही है। खाली रोड है, एक आध गाड़ी है भाई, माउंटेंस, मतलब ये माउंटेंस का फील भाई अलग ही होता है। तो हम सिटी विटी में चला लो, पर भाई जब माउंटेंस पर चलाने में जो फील आ रहा है ना, वो भाई नेक्स्ट लेवल है भाई। अभी तुम लोग भाई बिलीव नहीं करोगे भाई मुझे कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। मतलब भाई फुल ऐसी आ रही है, मतलब मैं कहाँ कहाँ आ चुका हूँ यार, मतलब पूछ ही मत। तो गाइस यहाँ पे हम लोग कच्चे रास्ते पे आ चुके हैं, यहाँ से ड्राइवर का जो घर है काफ़ी पास में ही है। मतलब आधा कच्चा रोड तो हमने पार कर ही लिया है, ये शॉर्टकट था, पर भाई गाड़ी यहाँ पे नीचे से काफ़ी ज़्यादा ठुक रही है ना, तो इसकी स्पीड भी काफ़ी कम हो गई है। तो यहाँ से चलते हैं, यहाँ से तो बहुत ही ज़्यादा पास है ड्राइवर का घर। अबे देखो ये सामने आ गया, चिमकांडी गई का कपड़े वपड़ों की शॉप है, पर भाई अभी क्या करें, हमें कुछ चाहिए तो है नहीं। ओयो ये कौन बंधा हुआ है गाइस, रुको। ओयो ओयो भाई भाई इसे किन्ने बांध दिया साले ने, रुको 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 इसे मदद करते हैं। ये इसे किन्ने बांध लिया साले, पिंक चट्टी पहना हुआ है, छी 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 छी, क्या ही इज्जत है इसकी। इससे बात करते भाई क्या इसे छोड़ने की, चलो भाई छोड़ ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मुझे गाड़ी चलाने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, तो अभी तो मैंने ऐसे करा भाई, गाड़ी में एक घंटे तक मैं डोलता रहूं। और अभी इससे पूछते भाई क्या हो गया तेरे साथ, ऐसा क्या सीन हो गया, इसे चर्च क्यों जा रहा है भाई तू, चर्च क्यों जा रहा है, चर्च तुझे क्यों जाना है, किससे ब्याह करना है तुझे यार। रुको गाइस इससे अभी मैं पूरा पूछता हूँ, ये अभी फोन पे बात कर रहा है साला है ना। तो अभी मैं इनसे पूछता हूँ क्या सीन है भाई, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा सही है, हम लोग मिलते भाई से बात करते हो। तो गाइस मेरी फाइनली से बात हो चुकी है भाई, इसको नहीं शादी होने वाली थी है ना। तो भाई मतलब क्या ही सीन हुआ, मतलब कुछ गुंडे वुंडे आए हो भाई, कुछ ऐसा सीन हो गया कि इसे किडनैप कर लिया गया और भाई इसे यहाँ पे लाके बांध दिया गया। अभी इसे चर्च जाना है जल्दी, आज इसकी शादी है शाम को और इसे पहुँचना है भाई जल्दी से जल्दी। भाई ये काफ़ी रिच सोसाइटी में रहता है गाइस, ये काफी ज्यादा रिच सोसाइटी को, भाई क्या ही रोल्स रॉयस खड़ी है भाई। गाइस ये कम से कम 80s की रोल्स रॉयस है भाई, ये तो मिलती और नहीं, काफी ज्यादा कीमत होगी भाई इस गाड़ी की। रुको पहले इस गाड़ी को रख लेते हैं। तो गाइस ये कह रहा है हमें इसके इसे इस वाली गाड़ी से ले जाना होगा भाई, काफी ज्यादा पैसे वाला लग रहा है। वैसे तो भाई घर वर भी काफी ठीक है, ऐसी कोई बुरा भी कर नहीं है। और भाई ये इसके ना फादर इन लॉ की कार है ना, तो भाई काफी ज्यादा देखो इसकी कीमत गाइस बहुत ही ज्यादा होगी, मैं चुरा लूँ सोच रहा हूँ इस गाड़ी को। पर यार नहीं यार, हम लोग अब मैंने तुम लोगों से पहले भी कहा था कि अब मैं ये काम छोड़ रहा हूँ ना, तो अब हम लोग इज्जत से रहेंगे इधर थोड़ा, मतलब चुराएंगे बुराएंगे नहीं ऐसा कुछ है ना। तो यहाँ पे अभी चलते हैं, इसे छोड़ते हैं भाई, क्या सीन है। इसको पहले चर्च, पहले इसके बाद से मैनेजर के पास हमें ले जाना होगा, उसके बाद इसको चर्च पे ले जाना पड़ेगा। मतलब भाई अपने बाप का नौकर समझ रखा है क्या इसने भाई। पर कोई नहीं भाई, मुझे मज़ा आ रहा था तो मैंने कर लिया, पर कोई दिक्कत नहीं। लौंडे का ब्याह, मतलब ब्याह ब्याह है यार उसका, ब्याह है भाई, मतलब क्या ही सीन है, मतलब पूछा ही मैं। और भाई
क्या सीन होगा। मैं तो भाई मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इसकी लुगाई भाग जाएगी, नहीं तो भाई इसे छोड़ना पड़ेगा सबसे पहले। रुको, कोई दिक्कत नहीं भाई, मुझे ही मजा आएगा। देखिए भाई शादी पार्टी में भाई देखेंगे कैसा अरेंजमेंट हुआ है चर्च में वर्थ में, और भाई देखेंगे खाना पीने की जुगाड़ हो जाए तो भाई मजा ही आ जाएगा। चलो कोई नहीं भाई, इसे छोड़ते पहले। ओ भाई पता ही गाड़ी कितनी ज्यादा बढ़िया, मतलब ऐसा लग रहा है भाई टायर इसके मतलब उससे चिपक गए हैं, रोड से चिपक गया भाई। इतनी ज्यादा हैवी कार है ना, मतलब पूछो ही मत। मेरी रोल्स रॉयस ब्रेक भी भाई उछल जाती, ये नहीं उछलती। तो गाइस यार गाड़ी के बारे में मैं क्या ही कहूँ भाई, नेक्स्ट लेवल फीलिंग है। मतलब भाई गाड़ी एकदम चिपक गई है टायर, मतलब सड़क से है ना, गाड़ी एकदम चिपक गई है। और भाई तो पूछ रहे मत क्या ही ज़्यादा फील आ रहा है। और भाई ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा महंगी होने वाली, क्योंकि भाई ये 80s की कार है। और अभी हमने इसके गाइस मैनेजर को भी ले लिया, चर्च भी पास में आने वाला भाई, माउंट चिलियार्ड के पास में जो है उधर उसकी शादी हो रही है। और भाई काफ़ी एक्सपेंसिव लोकेशन है गाइस, ये मैं बता दूँ, इधर काफ़ी एक्सपेंसिव लोकेशन है भाई। जो इधर सोसाइटी में रहता था वो कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी भाई, क्या ही घर और क्या ही गाड़ियाँ निकल रही थी वहाँ से। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले चर्च छोड़ते हैं। मैं इसकी शादी देखने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड, क्योंकि ये बर्बाद तो हो चुका है, ये बर्बाद तो हो चुका है। देखेंगे भाई इसकी बीवी कैसी है। रुको भाई सब देखो, यही है गाइस, यही चर्च लग रहा है। हाँ यही है, यही है, देखते भाई क्या सीन है। ये शायद इसकी बीवी खड़ी है क्या? ओ भाई ये शायद इसकी बीवी खड़ी है। ओ भाई देखो रोज से इसकी तैयार ठुकी। ओ गाइस इसने अपनी भाई गाड़ी दे दी इसने अपने। ओ ओ भाई भाई ये क्या कर दिया। इंडियन गर्ल्स, इंडियन गर्ल भाई, तुम इसे अमेरिकन गर्ल बिल्कुल नहीं कह सकते, ठीक है? तो ये इंडियन गर्ल तुम कह सकते हो, पर यार ऐसा तो नहीं है, इंडियन इसे नहीं कहेंगे। जो भी है भाई इसने यार हमें अपनी गाड़ी दे दी। अबे साले ने भाई अंदर बुलाया भी नहीं भाई, मुझे लगा एक आध बम्पर टाके मैं भी फोड़ दूंगा। लेकिन भाई जो भी भाई इसने तो पूरा सीधा VIP बम भी हमें दे दिया। मतलब कितनी ज़्यादा बढ़िया कार थी भाई, मुझे कितनी ज़्यादा पसंद थी। मैं सोच रहा था भाई इसे चुरा लूँगा, मैं अपने सारे नियम कानून तोड़ने ही वाला था इसे चुराने के लिए, पर भाई इसने अपने आप ही दे दी। गाइस यार अब तुम देखना भाई, अब भाई थोड़ी फ्रैंकलिन की ना इज्जत बनी रही, क्यों गाड़ी यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। तुम्हें लग रहा होगा हल्के से लुक्स वुक्स में, लेकिन भाई भरोसा करो भाई, इस गाड़ी को मैं भाई देखने लायक बना दूंगा भाई। सबके मुँह से सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा भाई, इस ऐसी गाड़ी को ऐसा बना दूंगा भाई, इसके टायर्स व्हील्स ट्रिम्स और भाई सब कुछ भाई, इंटीरियर इंटीरियर सब कुछ चेंज करा दूंगा गाइस में इसका। और अभी तो भाई कुछ नहीं, अभी थोड़ा बहुत पैसा लगेगा, अभी तो नहीं। अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे लॉस सैंटोस कस्टम पास नहीं है, पहले वहाँ पे चल के इसे रिपेयर करा लेते हैं पूरी। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं लॉस सैंटोस कस्टम, पहले यार इसे रिपेयर ही करा लें तो काफ़ी ज़्यादा सही है। रिपेयर करा लेंगे, इतना पैसा तो है हम पे, है ना? तो यहाँ पे इसे भाई काफ़ी इतनी ज़्यादा बढ़िया कार बना दूंगा ना, इसे बुलेट प्रूफ भी बना दूंगा। ये कार बुलेट प्रूफ नहीं है भाई, अपने पास तो फुल सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि अपन बहुत बड़े गैंगस्टर हो भाई। देखो यहाँ पे ठुके, और भाई 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 गाइस तगड़ा खर्चा हो रहा है भाई, क्या ही ठुकी है यार, जितनी ज़्यादा ठुकी कि उतना ये बुढ़ा और पीछे बढ़ गया। साले रुक, पहले तो तुझे मारता हूँ, रुक जा भाई, रुक हट यहाँ से भाई। अबे ये देखो कितनी ज़्यादा ठुक रही है यार, यहाँ पर यहीं पर है लॉस सैंटोस कस्टम। अबे यार अब इसकी कौन से ठेला है यार, ठेला है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। देखो अरे वो रहा है, वो है शायद से, हाँ यही है, यही है गाइस। तो चलो गाइस जल्दी से हम लोग गाड़ी को रिपेयर कराते हैं, और अभी रिपेयर ही कराएंगे बस। तो गाइस चलो यार हम लोगों ने पूरी गाड़ी को रिपेयर कराया, देखो कितनी ज़्यादा सही लग रही है। लॉस सैंटोस मतलब इसके पास तो सारे पार्ट्स होते हैं गाड़ी के, सब कुछ सही कर देता है। और बाइक पर पता है भाई ये इसने कही भाई ये गाड़ी बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम बिकती है भाई, इस गाड़ी की कीमत बहुत ही ज़्यादा है डिमांड। और भाई मैं इसे बेचने वाला तो हूँ नहीं, भाई बेचूंगा तो इतने महंगे दामों में बेचूंगा कि भाई अरबपति भी हक देगा, है ना? तो भाई अभी ना इसे भाई यहीं छोड़ते, देखो कितनी ज़्यादा ओपी लग रही है। तो गाइस अभी हम लोग जाएंगे घर पे, फ्रैंकलिन के घर पे, और भाई इसे पार्क कर देंगे। और अभी तो इतना ही रखेंगे, क्योंकि अभी इतना पैसा तो है नहीं कि भाई इस गाड़ी को पूरा करवा कर कि हम लोग भाई ये है कि पैसा वैसा लगा के पूरा इंटीरियर का सही करा दे, अभी इतना पैसा नहीं है। खैर भाई लेकिन गाड़ी की लुक्स काफ़ी सही है, मुझे सही लगी है। मतलब जिसको भाई पुरानी चीज़ों से प्यार है ना, मतलब जो पहले लेजेंडरी चीज़ हो गई है, तो भाई उन लोगों को अच्छी लगेगी। हाँ लुक्स में थोड़ी वैसी लग रही है, पर कोई ना, इंटीरियर इंटीरियर कुछ ऐसा ही है इसका। पर मैं इसका पूरा भाई पूरा विश्वास रखो, मैं पूरा चेंज करा दूंगा इसका इंटीरियर भाई भाई भाई। और गाइस तुम यहाँ पे देखो कितने ज़्यादा बढ़िया वेदर हो रहा है, वेदर प्लस भाई नेचर देखो तुम, कितनी ज़्यादा बढ़िया माउंटेन्स है यार। और गाइस मैं सोच रहा हूँ यार अब तो मुझे पहाड़ों पे कुछ दिन रहने के लिए जाना है, पर यार उसके लिए ना हमारे पास काफ़ी ज़्यादा तगड़ी वाली SUV होनी चाहिए, जो कि अभी हमारे पास है नहीं। अब यार हम लोग सोच रहे हैं कि SUV हम लोग खरीद ही लें यार,
एक एसयूवी है वो पर गैराज में जगह नहीं, पर कोई नहीं, हम लोग बाहर खड़ी कर देंगे। तो चलो गाइस यार आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और भाई हम अभी जाएंगे घर पे और इसकी गाड़ी खड़ी करेंगे। तो गाइस हम मिलेंगे इसकी अगली वीडियो में। तो गाइस यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है अपनी, और भाई आते आते यहाँ पे वेदर भी देखो कितना ज़्यादा, कितनी बढ़िया बारिश हो रही है। मतलब मौसम देखो कितना ज़्यादा रेड रेड सा मौसम हो रहा है भाई। अब माइकल के पास एक सुपर कार और एक लग्जरी, इसके पास भी एक सुपर कार और एक लग्जरी कार है। तो गाइस वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक कर दो। हम मिलेंगे गाइस इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।